जय श्री राम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रतीक रुद्र शुक्ला एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आप इसे रेगुलेशन ऑफ हर्ट भी कह सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तीन तरह से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। पहला, सेल्फ रेगुलेशन। दूसरा, इसको आप ऑटो रेगुलेशन भी कह सकते हैं। दूसरा, हार्मोनल रेगुलेशन। थर्ड बने न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। आप यहां पे लिखेंगे ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक की अगर बात करें तो मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होते हैं जो खुद से इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, और इंपल्स जनरेट करवाने में इनकी मदद कौन करते हैं? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू, एक साइनोएट्रियल नोड होता है, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। जो प्राइमरी काम करता है इंपल्स जनरेशन का, वो SAN करता है। इसकी अगर ये नहीं कर पा रहा है तो इसकी अनुपस्थिति में आप ऐसा बोल सकते हैं कि AVN भी कर रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कर रहा है। मेनली इसका काम कंडक्शन का होता है, जो ये इंपल्स बनाता है, जनरेट करता है, उसका काम कंडक्शन का काम इसका होता है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया, मतलब ये सेल्फ रेगुलेट हो सकता है, ऑटो रेगुलेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, और मायोजेनिक हार्ट में जो टिश्यूज रोल प्ले कर रहे हैं वो तो साइनोएट्रिकुलर नोड है और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। ओके, चलो, मतलब यहाँ से हमने एक छोटी सी बात पढ़ी कि ह्यूमन हार्ट खुद से रेगुलेट कर सकता है और रेगुलेशन में ये ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं। अब ये चीज़ डिलीट कर दो, चूँकि ये आपने समझ लिया। मैंने लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखवाया है और उसको लिखवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतने मैच्योर हैं कि आप समझ जाएंगे ऐसे ही। हर चीज़ का लैंग्वेज में होना इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो ही हार्मोन हम यहाँ पढ़ेंगे, एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन। ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं कि जब ये रिलीज होंगे ब्लड में तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड हार्ट रेट क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। क्लियर? हार्मोनल रेगुलेशन में इतना ही समझना था कि एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन जब ब्लड में बढ़ जाएंगे तो हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये क्यों बढ़ जाएंगे? इसके बढ़ने का मेन कारण ये है कि पर्सन का इमरजेंसी सिचुएशन में होना, इमरजेंसी सिचुएशन में होना पहली चीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, ठीक है, एंजाइटी होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? चलिए अब हम आखिरी बात करेंगे न्यूरल रेगुलेशन की, और आई थिंक न्यूरल रेगुलेशन में ही थोड़ा समझने लायक था, बाकी इन दोनों में तो कुछ था नहीं समझने के लिए। चलिए, यह है मेड्यूला ऑब्लिगेटा ऑफ ब्रेन। मेड्यूला ऑब्लिगेटा, इसके पास दो सेंटर्स हैं हार्ट को कंट्रोल करने के लिए। एक होता है कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर और दूसरा होता है कार्डियक रिटार्डेटरी सेंटर। मेडुला ऑब्लिगेटा हार्ट से ANS के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ANS। और आपको पता है कि ANS के टू पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। और आपको पता होगा कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, मतलब जो काम ये बढ़ाएगा तो वो ये घटा देगा, या जो ये घटाएगा वो ये बढ़ा देगा, दोनों अपोजिट मैनर में काम करते हैं। अब समझिए, मेडुला ऑब्लिगेटा का जो कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर है
वो हार्ट के पास कैसे कनेक्ट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और जो कार्डियक रिटार्डेशन सेंटर है वो पैरासिंपैथेटिक के साथ कैसे कनेक्ट होगा, वो हार्ट के साथ कैसे कनेक्ट होगा, पैरासिंपैथेटिक मैनर में। अब समझिए, एक्सोनल नॉब ऑफ दिस सिस्टम प्रोड्यूस या रिलीज, लिखिए ज्यादा अच्छा लगेगा, रिलीज नॉब एड्रेनलिन। यहां ये न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन नहीं है, हार्मोन भी होता है ये, लेकिन यहां इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, विच ये क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, और क्या करेगा, इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, एंड फाइनली क्या इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। क्लियर, सिंपैथेटिक की बात करी, अब पैरासिंपैथेटिक हर्ट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा, कि ये रिलीज करेंगे एक्सोनल नॉब ऑफ दिस सिस्टम रिलीज एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, इसका उल्टा कर दीजिए, अब आप क्या कर रहा, डिक्रीज हार्ट रेट, और क्या डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट। न्यूरल रेगुलेशन में यही था, मेडुला ऑब्लिगेटा जो है उसके पास दो सेंटर्स हैं, एक कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर है, दूसरा कार्डियक रिटार्डेटरी सेंटर है। कार्डियक या एक्सेलेटरी और रिटार्डेटरी से ही आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें क्या होने वाली हैं। एएनएस के थ्रू हार्ट से कम्युनिकेट करता है। अब एएनएस के टू पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक है, पैरासिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक ने क्या किया था, हार्ट रेट को बढ़ाया था, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया था। पैरासिंपैथेटिक ने क्या किया था, उसको घटा दिया था, बस इतना ही समझना था। यहाँ के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, यहाँ जो था वो था नॉन एड्रेनलिन था। तो न्यूरल जो न्यूरल रेगुलेशन था वो भी खत्म हो गया हार्ट का। नोट करके तीन चार चीज़ें और लिखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस, और बाकी और कुछ समझना नहीं था इसमें, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लेंगे, काफ़ी है, दो दिन टॉपिक तो है ही। देखिए, अगर बॉडी में, बस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, अगर बॉडी में पोटेशियम आयन या सोडियम आयन बढ़ जाता है तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी में सोडियम और पोटेशियम, सॉरी हार्ट रेट घट जाएगा, अगर बॉडी में सोडियम और पोटेशियम आयन बढ़ रहे हैं तो हार्ट रेट घट जाएगा, अगर कैल्शियम आयन बढ़ रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। फीवर के समय पर जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग फीवर, इस सिचुएशन में भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आखिरी स्ट्रांग इमोशन की जो कंडीशन होती है, स्ट्रांग इमोशंस, यहां भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। अच्छा, स्ट्रांग इमोशन में क्या क्या है, फियर है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, एंजाइटी है, वगैरह वगैरह, इन सब में भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट में इतना ही समझना था। मैं एक बार फिर से क्विक रिकैप ले लेता हूँ कि सबसे पहले जो सेल्फ रेगुलेटरी है, न्यूरल टिश्यू की हेल्प से खुद का रेगुलेशन कर लेता है, बहुत खास जरूरत नहीं होती है, मतलब ब्रेन से इंपल्सेज आए, न्यूरोजेनिक हार्ट वाला मामला नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़, हार्मोनल रेगुलेशन में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन्स हैं वो जैसे ही आएंगे, रिलीज होंगे ब्लड में, क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। न्यूरल रेगुलेशन में हमने समझा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो क्या करेगा, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को घटाएगा। कुछ हमने पर्टिकुलर सिचुएशन देखी, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आयन ब्लड में बढ़ रहे हैं तो हार्ट रेट घट जाएगा, कैल्शियम आयन बढ़ रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज हो रहा है फीवर के टाइम पे तो भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और फाइनली जब स्ट्रांग इमोशंस की कंडीशन होगी वहाँ पे भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा।
तो हमें आपकी मदद करके खुशी हुई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।